व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्षों में युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने एवं रोजगार के नए द्वार खोलने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कौशल सतरंग रूपी अभियान के माध्यम से 7 नए इंद्रधनुषी घटक जोड़े हैं, जो प्रदेश के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगा। आइए देखें कैसे। कौशल सतरंग का पहला घटक मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। प्रदेश के विभिन्न विभागों के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार की योजनाओं को एक छतरी के नीचे समन्वित व एकीकृत रूप से संचालित करने के लिए सीएम युवा हब की संकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशों के व्यवसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अपनी स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने में आवश्यक सहायता व मार्गदर्शन दिए जाने के साथ साथ युवा उद्यमियों के एक वर्ष तक हैंड होल्डिंग की भी व्यवस्था की गई है। कौशल सतरंग का दूसरा घटक मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उद्योगों में कार्यरत युवा अप्रेंटिसेस के लिए उद्योगों को भारत सरकार द्वारा उनके मानदेय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि की अतिरिक्त ₹1,000 प्रति माह प्रति अप्रेंटिस का भुगतान किया जाएगा, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ मिल सके। कौशल सतरंग का तीसरा घटक जिला कौशल विकास योजना है, जो प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन संबंधी रणनीति में बदलाव के रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जनपद स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों तथा भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास योजना तैयार की जा रही है। रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण व कौशल की पहुंच जनता तक पहुंचाने के लिए कौशल सतरंग के चौथे घटक के रूप में IEC गतिविधियों को रखा गया है। प्रत्येक जिले में LED वैन के माध्यम से प्रमोशनल फिल्म्स का प्रदर्शन तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रत्येक तहसील में कौशल पखवाड़े का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें माननीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जन गोष्ठियां आयोजित की जाएगी। इन गोष्ठियों में कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक युवाओं का पंजीकरण भी किया जाएगा। पांचवें घटक के रूप में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा IIT कानपुर, IIM लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग, पशुधन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए IIT कानपुर आगे आया है। IIM लखनऊ द्वारा CM युवा कार्यक्रम के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कौशल विकास विभाग द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के ड्रॉप आउट बच्चे, अस्पताल में सहयोग करने वाले आयुष्मान मित्र एवं विभिन्न गौशालाओं की देखभाल करने वाले गौ सेवकों का समुचित विधा में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की विरासत में पीढ़ियों का हुनर है, परंतु अपने शिल्प के लिए पूरी दुनिया में सराहना पाने वाले हुनरमंद कारीगरों की अपनी ही प्रमाणित पहचान नहीं है। ऐसे शिल्पकारों की प्रमाणीकरण के लिए कौशल सतरंग के छठवें घटक RPL अर्थात रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग में प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 2,37,000 से अधिक शिल्पकारों को उनके हुनर के लिए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना के साथ भी इसके समन्वय का प्रयास किया जा रहा है। कौशल सतरंग का अंतिम व 7वां घटक विशेषज्ञ प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ अनुबंध तथा रोजगार मेलों का आयोजन है। कौशल विकास विभाग द्वारा नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किए जाने तथा प्लेसमेंट एजेंसीज को अनुबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयास से प्रदेश के युवा अपने कौशल से रोजगार पाने एवं अपने पैरों पर खड़े होने का स्वप्न साकार कर सकेंगे। कौशल सतरंग नवोन्मेष की एक प्रयोगशाला है, इतिहास से सीखते हुए भविष्य के निर्माण की ओर, युवाओं के लिए युवाओं के साथ।
आइए करें साकार उम्मीदों के संग कौशल के सतरंग।